सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आईन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? कानून को गैर आईनी कहना आसान है, बता दें कौन सा सेक्शन किस शख्स से मुतसादम है, कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो वही बता दें। फुल कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा के दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस नहीं लिया, अगर पार्लियामेंट ने बहुत जोरदार वार किया होता तो हम अस खुद नोटिस लेते, जज आइन और कानून के तहत काम करने का हलफ लेता है, मेरी या आपकी क्या राय है, इसकी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर रहा है। तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल को अमल दरामद रोका था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का नहीं, आईन और कानून के ताबे होने का हल्फ उठाया है चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। कहा मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, उस दौरान फैसले आए, वो मार्शल लॉ के दौर के अदालती फैसलों के पाबंद नहीं, कोई और हो तो हो, अगर पार्लियामेंट ने हमारे हक पर वार किया होता हम बहुत से केसेस की तरह उसे उठा लेते। रिकॉर्ड केस में अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। बतौर चीफ जस्टिस उन्हें ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए, अगर आप चीफ जस्टिस को ये तमाम इख्तियार देना भी चाहें तो वो नहीं लेंगे। अदलिया की आज़ादी एक मुसलिमा बुनियादी हक है, क्या पार्लियमान आर्टिकल 191 के तहत अदलिया के काम में मुदाखलत या तजावज कर सकती है, क्या पार्लियमान को वो काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है और करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि क्या पार्लियमान को वो काम करना चाहिए जो आइन बनाने वालों ने दानिस्ता नहीं किया था, अगर इस उसूल को मान लिया तो फिर वफाकी हुकूमत पार्लियमान के जरिए बेंचों की तश्कील और अदालत के इंतजामी मामलात को रेगुलेट करेगी और फिर यह सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो उसमें क्या गलत है? अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर होता है? अगर पार्लियामान को इख्तियार नहीं था तो क्या हम 15 गैर मुंतखब जजेस को इख्तियार है? समाअत के दौरान जस्टिस अथर में अल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस अथर ने कहा अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होनी चाहिए, सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होना गलत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बाहर के ममालिक में कुरानदाजी से बेंच बनते हैं, वहां चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार का तसव्वुर तक नहीं। क्या ये बात हुई कि चीफ जस्टिस अपने पास दरख्वास्त रखे रहे और बेंच ना बनाए? ये कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजीसा का सुप्रीम कोर्ट आमद पर इस्तकबाल, फाइजीसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार, प्रोटोकॉल के बगैर जाती गाड़ी में अदालत पहुंचे, अदालती अमले से गुफ्तगू में तआवुन की दरख्वास्त, कहा लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं अपने मसाइल खत्म करने आते हैं, आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, लोगों की मदद करें। परवेज इलाही की कब जान छूटेगी? इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का सवाल। परवेज इलाही ने अदालत में सवाल किया, अहले खाना से मुलाकात नहीं करवाई गई, मुलाकात करवाने की हिदायत दे दें। अदालत ने कहा जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। अदालत का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत केस में आईजी इस्लामाबाद वारंट गिरफ्तारी के बावजूद पेश नहीं हुए, मुतलका एसपी इस्लामाबाद को आईजी को पेश ना करने पर शो कॉज नोटिस, डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिक्योरिटी का तहरीरी जवाब मुस्तरद, फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त परवेज इलाही की बीवी की जानिब से दायर की गई है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एफआईए को नोटिस जवाब तलब, खसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत, सुपरिटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब, पीटीआई वकील की सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा, जज ने रिमार्क्स दिए अटक जेल सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे, क्या मालूम मामला वहीं हल हो जाए, मजीद समाअत 28 सितम्बर तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की फोन टैप और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरख्वास्त और साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के बेटे नजमु साकिब की पार्लिमानी कमेटी तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत। वजारत दाखिला और पीटीए के तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार, दोबारा तफसीली जवाब तलब। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जवाबात में अदालती सवालात का जवाब नहीं दिया गया, दो ही सूरतें हैं कि हुकूमत जवाब दे या फिर एजेंसीज को फरीक बनाएंगे। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि एफआईए बुशरा बीबी को बार बार तलब करके हिरासा कर रही है, एफआईए को बुशरा बीबी को हिरासा करने से रोका जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब कानून की कोई खिलाफवर्जी हो तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलबी के समन की मौतली के ऑर्डर में एक माह की तौसी, समाअत मुलतवी। शेख रशीद और उनके साथ गिरफ्तार दीगर अफराद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त। शेख रशीद के भतीजे की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पुलिस ने शेख रशीद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया। शेख शाकिर ताजिर हैं, उन्हें भी गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। पुलिस को जेर हिरासत अफराद को अदालत में पेश करने की हिदायत। इंटरबैंक में $1.35 की कमी के बाद $296.50 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 297 रुपए पर बरकरार।